सेक्शन से आया था और जनरल आए थे। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत बढ़िया एग्जाम रहा। याद है क्वेश्चन वगैरह? पूरे याद हैं। जैसे कि सरोल ने तो पूछा गया था। अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन किए? पूरा किए। एग्जाम दिया? हाँ, हमारा फर्स्ट शिफ्ट में था। तो पार्टी ट्रिप का तो छूटा है अभी? नहीं, वहाँ मतलब वहाँ तो इलाहाबाद में। जैसे कि एसएससी एमटीएस का फर्स्ट ट्रिप का एग्जाम छूट चुका है, काफी सारे अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, सारी चीजें देखते चल के। बहुत बढ़िया एग्जाम रहा। याद है क्वेश्चन वगैरह? पूरे याद हैं। जैसे कि सरोल ने तो पूछा गया था। सरोल ने अच्छा अच्छा अच्छा, अरविंद थते का संबंध किस घराना से है? एक मौलिक कर्तव्य से आया था। 2011 का पुरुष अनुपात, 2011 के जनगणना आयुक्त, माई लाइफ माई कंट्री पुस्तक, जो 2023 का एफसी वुमेन विनर्स, उत्तर भारत के मंदिर की शैली, हर्षवर्धन की बहन का विवाह किसके साथ हुआ था? एक आया था एंटोनियम, आया था एंटाइस, एक आया था कॉन्सिशियस, एक आया था बेनिफिशियल। अरे बहुत बढ़िया, तो काफी याद है। बस याद है। और कुछ कैसा, क्या लेवल क्या था एग्जाम? ठीक था। अच्छा, मॉडरेट टू हार्ड। अच्छा, कुछ बताना चाहोगे बच्चों को, कैसे क्या पढ़ा, क्या ध्यान रखें आगे एग्जाम में? इस प्रकार से मतलब स्टैटिक्स पे थोड़ा पढ़ें। करंट के एक दो सवाल आ रहे हैं, स्टैटिक आ रहा है, एक दो पॉलिटिक्स से आ रहे हैं, और साइंस से दो क्वेश्चन से, एक बायोलॉजी था, एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। आपने कहाँ से तैयारी की वैसे? मैं तो पुस्तक से पढ़ता हूँ। ऑनलाइन वगैरह कोई कुछ नहीं। अंग्रेजी बताया था, यही आया था, एक इंटाइस का आया था, एक बेनिफिशियल आया था, और एक कॉन्शियस आया था। और मैथ रीजनिंग ठीक था, ठीक गया। थोड़े उसके जीके के क्वेश्चन थोड़े, कुछ बहुत टफ थे, कुछ थे बहुत जो एकदम आसान थे, चूलन से थे। तो जैसे कुछ क्वेश्चन बता सकता हूँ, जैसे रेतवारी जमींदारी सिस्टम, इससे रिलेटेड एक आया था। सरूल पूछा था कहाँ का फेस्टिवल है, और इस तरह पूछे थे, पूछा था वो कुछ मिनिस्ट्रीज से पूछा था, कौन कौन सी मिनिस्ट्री, गवर्नर से पूछा था कि वो नसीर करके कोई गवर्नर है, वो कहाँ के गवर्नर बने हुए हैं रिसेंटली है, और वो तमिलनाडु की एक जो सुपरस्टार जो बनाए हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाए, वो पूछे थे कमल हसन की। हाँ, कमल हसन के और उसके थलापति विजय के, इनमें से कुछ ऑप्शन इस तरह था। कई ठीक क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, उतना भी टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, इंग्लिश काफी आसान थी। अच्छा, ये है कि जैसा अभी तक आ रहा था वैसे ही फिर भी है। हाँ, वैसा इंग्लिश मेरे हिसाब से आसान थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक थी, जीके भी ठीक ठाक थी, पर मैं हो सकता है 2-3 नंबर से रह जाऊँ, पर वो का अच्छे से करो। हाँ, किया है, दो अटेम्प्ट 25 में से 23 किए हैं मैंने जीके में और जीएस में, और इंग्लिश में सब किए हैं और बाकी सब अटेम्प्ट। रीजनिंग बहुत आसान। तैयारी कहाँ की है वैसे? तैयारी यूट्यूब से किए हैं, एसएससी लैब से, उससे एसएससी अड्डा से, ये सबसे। जीके कहाँ पढ़ी थी? जीके मैं करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है, जनरल नॉलेज लेता रहता हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल भी देता रहता हूँ, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कैसे। पेपर नॉर्मली है, जो जो कैरियर बिल प्लेटफॉर्म से जो पढ़ा है वो आसान तरीके से कर ले जाएगा। मैथ, गगन प्रताप, इन सब से जो पढ़ा है वो आराम से कर ले जाएगा। और जीएस कहाँ से पढ़ा हो? जीएस नॉर्मली एसएससी सीजीएल मेन पिनाकल की एक बुक है, उसमें से पूरा दिया था इस बार, पूरा उसमें से भिड़ा है। और करंट अफेयर्स का 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, 2023 के आसपास। बाकी पेपर मॉडरेट है, कह सकते हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी किया है वो आराम से पेपर कर लेगा। कट ऑफ हमें लगता है हाई जाएगी, कट ऑफ 120 प्लस। अच्छा, आराम से हम देख रहे हैं ज़्यादातर सब लोग कर ही रहे हैं। ऑब्वियसली इस बात, सारे बच्चे 130 प्लस ही जाएंगे, पेपर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन किए? मैंने किए 48 एंड 49। अच्छा, 48-49 मतलब? अच्छा, जीके में 48। अच्छा, मतलब कि वो जैसा था ना, 24 क्वेश्चन। अच्छा, मतलब जिसमें मेरिट बनेगी उसमें 48। हाँ, और जिसमें मतलब क्वालिफाइंग उसमें 49। हाँ, 49 के। अरे मालूम है, नहीं। मैं CHSL का मेंस भी है ना दिसंबर में, और अभी सीजल का प्री भी जहाँ तक मेरा हो गया, जहाँ तक 144 बन रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा और बढ़ेगा ही वो, तो मेरा हो जाएगा उसमें भी। बढ़िया बढ़िया। तो हमें लगता है जो MTS में भी जो कट ऑफ जाएगी काफ़ी जाएगी। MTS में मान लीजिए 125 प्लस ही जाएगी। सभी मतलब बता ही रहे, 125 प्लस ही जाएगी। याद है?
वो कैब इतनी ईजी थी कि क्या बताया, उसमें बता ही नहीं सकते हम। अच्छा। और वो क्लोज है तो एकदम हलवा था, कुछ था ही नहीं क्लोज टेस्ट में। अच्छा। क्लोज है तो पूरे पाँच के पाँच सही है। तैयारी कहाँ से की थी? तैयारी मेरी इलाहाबाद से है, मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, यहाँ अकबरपुर से बीएड कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से? ये अकबरपुर महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज से। तो ऑनलाइन वगैरह तैयारी नहीं की? ऑनलाइन मैं करता हूँ, अलग अलग टीचर से हैं। अमन सर हैं। अच्छा, इंग्लिश नहीं? जी का जीएस के लिए। अमन श्रीवास्तव सर जानते होंगे, लैब वाले? अच्छा अच्छा अच्छा। और मैथ के लिए थोड़ा सा अभिनव सर हो गए, गगन सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, सबका प्रैक्टिस ऐसा नहीं करना था। ऑफलाइन कोचिंग मेरी इलाहाबाद से ही कम्प्लीट थी। इंग्लिश कहाँ से तैयारी की? इंग्लिश तो थोड़ा सा नीतू मैडम से और थोड़ा सा बरखा मैम से। अच्छा अच्छा, वहीं पे अमन सर और बरखा मैम पढ़ाते हैं? वही है, पहले अनअकैडमी में थे तो अनअकैडमी का कोर्स भी था मेरे पास, उसका भी था, अब लैब है तो लैब का भी है। सर जिस हम लोग सीजन में पढ़े थे वैसे उसी सब उससे लेवल ईजी था आ गया तुम लोग का। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन किए? पूरा किए। कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? हाँ, जैसे कि बताओ ना। अरे अच्छा हुआ पेपर। पेपर तो अच्छा हुआ, लेकिन क्या कैसे पूछेगा कुछ बताओगे? अरे यही आंदोलन वन पूछा था, आंदोलन। अच्छा, आंदोलन। हाँ, और यही सब। आंदोलन कौन सा पूछा कुछ बता? गांधी जी का। अच्छा, गांधी जी का आंदोलन। हाँ। अच्छा, और पूछा ये त्यौहार, त्यौहार भारत के। कौन सा त्यौहार पूछा था? दीपावली। दीपावली पूछ दिया? अच्छा, क्या दीपावली में क्या पूछा गया? भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? अच्छा, ये था। हाँ। अच्छा, तो उसमें ऑप्शन क्या थे दीपावली के अलावा? अब ईद भी हो सकता है लोकप्रिय है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो ऑप्शन क्या था उसमें? दीपावली, होली, यही सब। होली नहीं है लोकप्रिय? होली भी है पर ज्यादातर दीपावली श्री राम। ये ऐसा क्वेश्चन आया, इसमें तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, लोगों के बीच मतभेद आएगा इसमें तो। कुछ कहेंगे होली है, कुछ कहेंगे ईद है, लेकिन सबसे ज्यादा तो सनातन धर्म है ना। अच्छा, हाँ, तो वही है, होली भी तो सनातन धर्म का। ये क्वेश्चन आया था वास्तव में? आया था। और कुछ और बताओ? और कुछ सब ठीक हुआ? चलो ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। एग्जाम दे गए हो? एग्जाम ले चुके हैं। स्टेशन सटे छोटे भाई, एग्जाम दिया होगा? पूरा लो, पूरा एग्जाम दिया? हाँ, हमारा फर्स्ट शिफ्ट में था। तो पत्री टप का तो छूटा है अभी? नहीं, वहाँ मतलब वहाँ तो इलाहाबाद में था। इलाहाबाद हो चुका? अच्छा, पहले दिन होगा? पहले कैसा हुआ था? अच्छा हुआ था, सब ठीक ही हुआ। आपका कितने क्वेश्चन किया आपने? 75। अच्छा, आप लोगों से पूछेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आप अपने अपनी राय बताना, ठीक है? ये बताइए एसएससी एमटीएस की कट ऑफ जाने क्या उम्मीद है, कितनी जा सकती है? लगभग मान के चलना कि हाँ 40+। आप बताइए 40+। आप मार्क्स में अराउंड 115 के आसपास रहेगी। कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपको क्या लगता है? 40+ जाएगी। 40+। आप? जी सर, 40+ जाएगी। 40+। जी जी। क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन वाला होंगे? क्वेश्चन के हिसाब से आपने कट ऑफ बताइए, मार्क्स के हिसाब से बताइए। क्वेश्चन के हिसाब से ना? हाँ, तो 40-45 लगभग मान के चलिए। 50-45। हाँ, काफी टफ जा रही है। टोटल तो 50 क्वेश्चन थे ना, 50 क्वेश्चन तो थे होंगे ना, जो अलग वही है। हाँ, वो कुछ कट ऑफ। हाँ, उस हिसाब से पेट नहीं। एग्जाम हो गया आप लोगों का? एग्जाम होगा? कैसा हुआ? अच्छा हुआ। क्वेश्चन किए? मैंने उसमें रीजनिंग इंग्लिश में उसमें पूरे कर लिए थे मैथ में, और लास्ट में दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे। हाँ, क्वेश्चन गवर्नर से आए थे और पॉपुलेशन से आया था और जनरल आए थे। उसका लेवल कैसा है एग्जाम का? ठीक था, इजी था। लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है? कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी क्योंकि एग्जाम पेपर देख के सरल आ रहा, तो ज्यादा जाएगी कम जाएगी? 120+ तो जाएगी। हाँ, क्योंकि लोग बता रहे काफी सरल आ रहा पेपर। हाँ, काफी सरल था, तो ज्यादा जाएगी। अच्छा गया। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने किए केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 छोड़े हैं, सेकंड वाले में पूरे। याद है क्वेश्चन वगैरह? हाँ, क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है, ऐसे याद है।